Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to a new video. So, आज हम लोग बहुत टाइम बाद एक स्किन केयर वीडियो कर रहे हैं. This is the Love Your Skin episode number 5. अगर मैं गलत हूँ तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर दूंगी, don't worry. So, this is I think the episode number 5 of Love Your Skin. दो ढाई साल एज अ मेकअप एंड स्किन केयर एंथुसियास्ट स्किन केयर जंकी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई किए हैं. स्पेशली इन माई कोलेबोरेशन उसमें मुझे बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं. सो कोलेबोरेशन के टाइम पे क्या होता है ना, हम प्रोडक्ट को सिर्फ तीन चार दिन या एक वीक यूज करके हम उस प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं. लेकिन जब एक प्रोडक्ट को आप एक महीने दो महीने बाद जब आप उसको यूज करके देखते हो तो उसका एक्चुअल आपको बात पता चलती है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसा है. जो प्रोडक्ट मतलब मुझे सबसे ज्यादा पसंद है एंड उसी प्रोडक्ट का मैं रिव्यू दिखाऊंगी एंड आप सबको कुछ बेस्ट स्किन केयर रिकमेंडेशन लूंगी. सो हियर वी स्टार्ट विद द बेस्ट स्किन केयर रिकमेंडेशंस आई हैव यूज्ड सो फार. कुछ कुछ अंडररेटेड ब्रांड्स है जिसके प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है. तो ये वीडियो उन सब ब्रांड्स के लिए है. सो या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस. तो सबसे पहले हमारे मेकअप स्टेप में टोनर आता है. तो मेरे पास टोनर के लिए यू नो दो ब्रांड है जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ. तो हमारा टोनर का काम क्या होता है, टू मेक योर फेस ग्लोइंग, टू रिपेयर योर फेस, या हर एक टोनर के जो पर्टिकुलर काम होते हैं. तो मैंने कुछ कुछ टोनर यूज किए, दोस वर अमेजिंग विद देयर वर्क. सो सबसे पहले टोनर है ये, सबसे पहले ये टोनर आता है, ये है प्लम का टोनर. सो अभी तो ये फिल्ड है लेकिन ये एक्चुअली इसमें प्लम का टोनर नहीं है, इसमें डॉटन की का टोनर है. मैं किसी वजह से इसमें डॉटन की का टोनर डाल दी थी. तो ये जो प्लम का टोनर है इट वॉज अमेजिंग. पहला तो इसमें ग्रीन टी है तो ग्रीन टी आपके फेस को और ज्यादा ग्लो करता है. सो नेक्स्ट टोनर इज द ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का विटामिन सी टोनर. ये एक दूसरा, ये विटामिन सी का ब्राइटनिंग फेस टोनर है. ये एक नया पैकेजिंग है लेकिन इसका एक पुराना पैकेजिंग था, वो वाला टोनर मुझे बहुत पसंद था. दो मैंने अभी तक इसका ये न्यू पैकेजिंग वाला यूज उतना नहीं किया है लेकिन पुराने वाला मैंने तीन बॉटल खत्म किए, लिटरली तीन बॉटल. सो तीन बॉटल खत्म करने के एक्सपीरियंस से ही बात कर रही हूँ कि वो प्रोडक्ट मतलब आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो देता है, एक शाइन देता है. हाइड्रेशन के साथ साथ शाइन तो इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ टोनर. एंड दूसरा उसमें विटामिन सी है तो आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह को भी फेड करता था. एंड दिस ब्रांड नेम इज ऑर्गेनिक हार्वेस्ट. यू नो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये ब्रांड बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक है. तो ऑर्गेनिक तो आपके फेस पे कोई हार्श केमिकल्स नहीं जाएंगे. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज गुड वाइब्स का टोनर रेंज. आई मीन आई लव गुड वाइब्स का टोनर. मुझे नहीं पता बाकी प्रोडक्ट्स कैसे हैं, मैंने बाकी प्रोडक्ट्स को उतने अच्छे से ट्राई नहीं किया है. लेकिन गाइस गुड वाइब्स का ये है डी टैन ग्लो टोनर उपटन. एंड दूसरा मैंने एक ट्राई किया था ग्रीन टी टोनर गुड वाइब्स का. दोनों इज ऑसम. मतलब आपके फेस पे जो ग्लो ये टोनर्स देते हैं ना, सीरियसली गुड वाइब्स के टोनर इज रियली अंडररेटेड. बहुत ही कम अमाउंट होता है इनका. लेट मी टेल यू गाइस, इसका प्राइस था कुछ 249. इसका प्राइस था कुछ 249. एंड दूसरा एक टोनर मैंने मंगवाया था वो फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, इट वॉज लाइक समथिंग 140 या 150. तो यू कैन इमेजिन गाइज इतने सस्ते में आपको इतना अच्छा टोनर मिलेगा, लाइक बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया. मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है. तो गाइज वैसे देखा जाए तो मैंने तो बहुत सारे ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज किए. यार मेरे पास एट प्रेजेंट यही कुछ सामान है जिसका डब्बा है इसीलिए मैं दिखा पा रही हूँ, वरना ऐसे बहुत से प्रोडक्ट थे जो मुझे बहुत पसंद आए थे लेकिन मैंने ऐसे वीडियो बनाने का सोचा नहीं इसीलिए हुआ नहीं. बट अब से मैंने डिसाइड किया है जो भी प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगेंगे उनके डब्बों को मैं साइड करके रखूंगी. एंड एट द ईयर एंड या ईयर के कभी भी बीच में मैं आप लोगों को हर साल का एक स्किन केयर लाइक मुझे क्या क्या पसंद आया है वो मैं एक दिखाऊंगी. नेक्स्ट आता है हमारा मॉइस्चराइजर रेंज. सो मॉइस्चराइजर में ना मैं एक मॉइस्चराइजर को बहुत ज्यादा रिकमेंड करती हूँ क्योंकि उस मॉइस्चराइजर को मैंने लिटरली दो फाइल यूज किया है, दो फाइल बड़ा बड़ा दो फाइल यूज किया है. तो वो है डॉटन की का ये वाला मॉइस्चराइजर. सो इसका ना प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, मतलब मैंने फेंक दिया था इसका डब्बा. लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल वो सोल कैचिंग वाला प्रोडक्ट है. मतलब सोचो मेरे पास डब्बा नहीं है फिर भी मेरे को याद है इस प्रोडक्ट के बारे में. मम्मी ने यूज किया है, मैंने यूज किया है, हम लोगों के डार्क स्पॉट्स लिटरली 7 दिन में 8-9 दिन में गायब हो गए थे. ऐसा प्रोडक्ट है एंड साथ में फेस में ग्लो तो अलग ही ग्लो होता है इस प्रोडक्ट का रेंज ने. तो मैंने ये एक फाइल नहीं, मैंने दो दो फाइल यूज करके मैं ये बात बता रही हूँ. एंड दूसरा था इसी रेंज का एक सीरम, विटामिन सी सीरम. तो दिस वॉज ऑल्सो अमेजिंग. इसका डब्बा कुछ दिन पहले रखा हुआ था, आई डोंट नो वो कहाँ गायब हो गया. तो इसीलिए मैं आप सबको ये सीरम और ये मॉइस्चराइजर रेकमेंड कर रही हूँ, हाईली रेकमेंडेड, एक बार चेक कर लो.
एंड दूसरा मॉइस्चराइजर जो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है वो है ये फॉक्सटेल का मॉइस्चराइजर। आई नो बहुत लोगों को फॉक्सटेल ब्रांड के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, लेकिन यू नो दिस ब्रांड रियली मेक सम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मतलब मैं इनके क्लेंजर से, इनके मॉइस्चराइजर से इतना ज्यादा अट्रैक्टेड हूं ना कि क्या बोलूं। दे मेक सम अमेजिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मतलब ये एक सेरामाइड हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है एंड लिटरली वर्क सुपर ऑन योर स्किन। एंड इसी के साथ इसका एक फेस वॉश था, क्लेंजिंग जेल, जो कि था 2-in-1 क्लेंजर ऑल्सो और मेकअप रिमूवर ऑल्सो। यू नो हम लोग जब मेकअप करते हैं तब हमें पहला तो मेकअप रिमूव करना पड़ता है, फिर फेस वॉश से क्लीन करना पड़ता है। लेकिन इस प्रोडक्ट के आने के बाद इट वॉज लाइक वाओ, मतलब आप एक ही प्रोडक्ट यूज करोगे आपका दोनों काम हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट को मैंने 2 फाइल यूज किया है एंड 2 फाइल के यूज करने के बाद ही मैं बता रही हूँ कि इट इज सुपर प्रोडक्ट, मुझे बहुत पसंद है। सो इट्स अ गेम चेंजर फॉर ऑल फेस वॉश ब्रांड्स। नेक्स्ट अगर एक मॉइस्चराइजर की मैं बात करूँ तो इट इज तो ये मैं रिसेंटली यूज कर रही हूँ। आई डोंट नो ये मेकअप में काउंट होगा या स्किन केयर में काउंट होगा, इट्स समवेयर इन बिटवीन। तो वो प्रोडक्ट है ये शुगर का एक्वाहोलिक प्राइमिंग मॉइस्चराइजर। ये क्या है, प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर है, मतलब आप एक ही प्रोडक्ट यूज करोगे तो दोनों काम हो जाएगा। तो ये मुझे काफी कूल प्रोडक्ट लगा। लाइक अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, जहां पे आप जा रहे हो वहां पे शादी है, तो ये एक प्रोडक्ट लेके जाओगे काम डन। ऊपर से ये है भी इतना छोटू सा स्लीक सा प्रोडक्ट, तो मतलब कहीं पे भी फिट हो जाएगा। तो इट्स लाइक मुझे ये बहुत ही अमेजिंग लगा। एंड ये ज्यादा दिन नहीं हो रहा है मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसका रेकमेंड कर सकती हूँ, बहुत ही अमेजिंग है। मॉइस्चराइजर प्राइमर दोनों का काम आराम से कर लेता है, तो इट्स लाइक सुपर मुझे। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो अगेन इट्स अ गेम चेंजर आप बोल सकते हो। तो मैंने इसके पहले ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया है जो लिटरली मेरे पिंपल्स को रिड्यूस किया है। लाइक अगर आप कहीं भी शादी में या किसी के भी कोई भी अच्छा फेस्टिवल हो, आपके फेस में आराम से एक पिंपल आ जाएगा। मैंने इस चीज को चेक किया है, अगर आपके फेस पे ये हार्मोनल नहीं है ये पिंपल, तो ये प्रोडक्ट रिड्यूस कर देगा। अगर ये हार्मोनल है तो थोड़ा आपके पिंपल्स को दबा तो देगा, लेकिन पूरा रिमूव नहीं करेगा ये प्रोडक्ट, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। हाँ, अगर वो किसी डर्ट के वजह से जम रहा है तो इट विल वर्क। तो वो है ये वाला है ग्लो पिंक का एक्ने क्रीम। यू नो ग्लो पिंक कंपनी के बारे में आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। लिटरली जब मुझे भी ये प्रोडक्ट्स ऑफर हुए थे, मुझे भी नहीं पता था इस कंपनी के बारे में। एंड मुझे भी लगा था यू नो कैसा प्रोडक्ट्स होगा, क्या होगा, नहीं होगा, आई डोंट नो। मगर ऑनेस्टली इसके प्रोडक्ट्स इज अ गेम चेंजर। इसके सीरम्स, इसका ये एक्ने क्रीम बहुत ही अमेजिंग है। हाँ, इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है, तो अगर आपको ऐसा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा तो आप प्राइस तो आप अच्छा पे ही करोगे ना। लाइक अच्छे प्रोडक्ट के लिए अच्छा प्राइस पे करना बनता है। एंड शाउट आउट टू द ब्रांड ग्लो पिंक, एक न्यू कंपनी होकर भी इतना अच्छा प्रोडक्ट निकालना इज अ ह्यूज अचीवमेंट। इसके सीरम्स को भी आप ट्राई कर सकते हो, इट्स अमेजिंग। सो सीरम्स तो और भी बहुत थे जो मैंने ट्राई किए हैं जो कि अमेजिंग थे, लेकिन अभी मेरे पास डब्बे नहीं है एंड मुझे उतना अच्छे से याद भी नहीं है कि कौन कैसा सीरम था। लेकिन मैंने बहुत सीरम ट्राई किया एंड दोज वर्क रियली नाइस फॉर माई स्किन। सो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे सनस्क्रीन कैटेगरी पे। तो एक ब्रांड है जिसके बारे में आप लोग शायद सुने नहीं होंगे, विच इज अर्बन बोटैनिक्स। तो ये मतलब ये पहले मैं यूज कर रही थी, उसके बाद मॉम यूज कर रही थी। मॉम के अकॉर्डिंग ये बहुत बढ़िया सनस्क्रीन है। मॉम के अकॉर्डिंग इसको लगाने के बाद आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो आ जाती है, मतलब आपको सन प्रोटेक्शन तो मिल ही रहा है, साथ में आपका फेस भी ग्लोइंग होगा। सो आई मीन इससे बढ़िया सनस्क्रीन फिर क्या ही हो सकता है। तो ये है अर्बन बोटैनिक्स का एडवांस्ड अल्ट्रालाइट सनस्क्रीन, वाटर स्वेट रेजिस्टेंट। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया चीज है, ये इसमें स्वेट रेजिस्टेंट है। यू नो मैं उस दिन कौन सा एक सनस्क्रीन लगाई थी अपने फेस पे एंड वो लाइक स्वेट रेजिस्टेंट नहीं था। आप उसको लगाए हो, स्वेट हो रहा है तो वो पूरा ऐसे ना गिर जा रहा था, तो वैसा सनस्क्रीन इज रियली नो नो काइंड ऑफ। लेकिन हाँ, मगर ये सनस्क्रीन बहुत ही बढ़िया लगा मुझे एंड मॉम का रिकमेंडेशन है तो आप समझ ही सकते हो, ऑफकोर्स इट्स टॉप नॉच। नेक्स्ट सनस्क्रीन है इज दिस बायोडर्मा का सनस्क्रीन फोटोडर्म क्रीम। इसका थोड़ा क्वांटिटी मेरे फेस पे बहुत अच्छा काम करता है। ये ना एकदम वो नॉन ग्रीजी टाइप ऑफ है। कुछ सनस्क्रीन होते हैं जो बहुत ज्यादा ग्रीजी होते हैं, इसलिए वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये सनस्क्रीन बिल्कुल ही नॉन ग्रीजी है। एंड ये मेरा कब से चल रहा है, 40 ml है लेकिन ये मेरा कब से चल रहा है, लिटरली अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है। एंड आजकल ना सब सनस्क्रीन का ये बात बहुत बढ़िया कर दिया है कि आपका फोन लाइट प्रोटेक्शन भी है, तो इसमें भी वही है। सो इट्स रियली गुड, अमेजिंग। तो क्योंकि बायोडर्मा एक फ्रेंच ब्रांड है तो इसका थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होता है, अदरवाइज इट्स अ गुड वन। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इज द शुगर का लिप बाम। अगेन जैसे शुगर आ गया,
शुगर है शुगर है, इट्स लाइक दैट। हाँ, ये टैगलाइन था शुगर का। ये लिप बाम बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है। मुझे अगेन ये पीआर में आया था। पीआर की चीजें तो हम लोग फेक नहीं देते, एज अ क्रिएटर हम लोग उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। एंड जैसे कि मुझे यूज करके कुछ कुछ प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगे, बहुत बढ़िया, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में उन सबको शेयर कर रही हूँ। एंड दिस इज एंड दिस इज वन प्रोडक्ट जो कि बहुत बढ़िया था, मतलब आपके लिप्स को इतना अच्छा मॉइस्चराइज रखेंगे, गर्मी में आप नहीं लगा पाओगे, तो ये विंटर्स के लिए बहुत बढ़िया है। देखो मेरा फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट, इसमें और है नहीं, तो ये पड़ा हुआ है। एंड द लास्ट वन, ऑफकोर्स हम लोग बाहर जाते हुए बिना परफ्यूम के तो हम लोग बाहर जाते नहीं है, तो परफ्यूम नहीं है मेरे पास, एक मिस्ट है, बॉडी मिस्ट। तो ये है प्लम बॉडी लविंग का एक मिस्ट, बॉडी मिस्ट। ये आई गेस ट्रिपिन मिमोसा है, एक वेनिला वाइब्स था। तो ये प्रोडक्ट का स्मेल, आई मीन आई लव द स्मेल, फ्रिकिंग लव द स्मेल। एंड यू नो ये बॉडी मिस्ट इतना ज्यादा, लाइक ये बॉडी मिस्ट ना उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इट्स वेरी लाइट, इट्स वेरी सूदिंग, फ्रेग्रेंट, वैसा वाला टाइप का है। एंड बिल्कुल, एंड मुझे जैसा बिल्कुल पसंद, एंड मुझे बिल्कुल इस टाइप का पसंद है। एंड यू नो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, एंड स्पेशली द स्मेल, आई मीन लव विद द स्मेल। एंड दूसरा वनीला वाइब्स है, वो भी काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप लोगों को वनीला फ्लेवर उतना, सेंट उतना अच्छा नहीं लगता है ना, तो वो फिर आपको स्किप करना पड़ेगा, वरना जैसे मुझे ना वनीला वाला थोड़ा स्ट्रांग लगा, तो बहुत लोगों को फिर वही ज्यादा पसंद आया। तो यही थे मेरे पास अभी कुछ कुछ प्रोडक्ट जो कि मेरे पास अवेलेबल थे। ऐसे तो मैंने बहुत प्रोडक्ट यूज किए, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज के साथ आते रहेंगे। मुझे पता है हमारे ऑडियंस को ऑनेस्ट रिव्यूज बहुत पसंद है, तो या वी विल ब्रिंग ऑनेस्ट रिव्यूज टू दिस प्लेटफॉर्म। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्किन केयर वीडियो, बहुत टाइम बाद हो रहा है, लेकिन इट्स वर्थ इट। बहुत टाइम के बाद ऑनेस्ट रिव्यूज ला रही हूँ आप लोगों के पास। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोगों को व्लॉग्स, ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज, हाँ कोई भी प्रोडक्ट कंपैरिजन, जैसे मैं दो ब्रांड के प्रोडक्ट्स कंपेयर भी करती हूँ, उसका लिंक मैं डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। लाइक प्रीवियसली मैंने किया था शुगर वर्सेस माइग्लैम का हाईलाइटर। गाइज प्लीज एक डिस्क्लेमर, जो कि मुझे पहले ही देना चाहिए था, लेकिन ठीक है अभी दे रही हूँ, कि ये सब प्रोडक्ट्स मेरे स्किन के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके फेस पे भी ये वैसे ही काम करेगा। हाँ मैंने इसको यूज किया है, आई होप 80% स्किन में, 80% मेरी स्किन टाइप में ऐसा ही वर्क करे, लेकिन एक पैच टेस्ट रिकमेंडेड है, कुछ हमेशा एक पैच टेस्ट करके कोई भी न्यू प्रोडक्ट यूज करे। नेक्स्ट वीडियो गाइज, अंटिल देन गुड बाय गाइज, टाटा।